तो जय हिंद दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। तकरीबन 30 दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं 30 दिन तक लगातार वीडियो अपलोड करूंगा और मैंने ऐसा करके भी दिखाया। इसके दौरान मैंने गोवा की ट्रिप भी मारी 7 दिन की, तो मैंने उसकी वीडियोस पहले ही बना के रख दिए थे और ये करने में यकीन मानो मेरी फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। एक एक दिन में मैंने 4-4 वीडियोस बनाए, भले ही उन वीडियो की क्वालिटी कैसी भी हो, मतलब कि कंटेंट क्वालिटी, लेकिन भाई उसको बनाने में मेरी फटी जितनी है वो मैं नहीं बता सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, लेकिन आखिरकार मैंने उसको ही पार कर लिया। खैर, इस वाले चैलेंज को कम्प्लीट करने में मेरे टीममेट्स ने बहुत साथ दिया है, जैसे कि चंदू भाई, इंसेन भाई, सयान, रजगौर, सागर भाई, यश, चाचा टाइगर, इन लोगों ने सबने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके वजह से मैं कर पाया। और आप लोगों ने भी इन सारे वीडियोस को देखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैलेंज का आज आखिरी दिन है, तो पेलेंगे भी वैसी। चलो भाई, इलेक्शन श्रेया। अच्छा श्रेया बढ़िया खेल रही थी, नाइस नाइस, गुड गुड। खैर भाई, इस वाली बिल्डिंग में बंदे कौन से कोने में किस तरफ से कब निकल जाते हैं इसका मुझे सच में पता नहीं है, क्योंकि इसको स्टडी करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अभी यहाँ पे मेरा प्लान था वो सामने वाली पेटी खोलने का, लेकिन तभी मेरे पीछे से कोई बंदा आता है मेरी पेटी बनाने के लिए। टॉम किड, तू बिल्ले का लड़का है जी, आप जानते हो डैडी जी को? हाँ, बड़े अच्छे से। क्या भाई, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि पूरी स्क्वाड मिल जाए या फिर कोई रश कर जाए आप पे। मजा ले, कोई बंदा इस वाली बिल्डिंग में तुम पे खुद से रश कर दे, जिंदगी भर बैठे रहेंगे लेकिन रश नहीं करेंगे। इसलिए मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी मेरे को एक शिकार मिल गया। पहले से जा रहा था ना उधर कोने में कैंप करने के लिए, शर्म नहीं आती को? खैर भाई, कब तक ऐसे चिल्लर चिल्लर बंदों को मारते रहेंगे, कभी ना कभी तो घुसना ही पड़ेगा ना, कि नहीं? और अभी मेरे सामने की तरह वो बंदे पीटी भी खोल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे नेट खोल दिया, जिससे कि कुछ भी हुआ। पहले हमारे भाई साहब कहते कि कोई पीटी खोल रहा है, उसके बाद में जब मैं नेट फेंकता हूँ तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। घपाघप यहाँ पे बहुत सारे स्मोक किए और एक मौली उस तरफ फेंकी ताकि दूर से कोई ना सके, मगर दूर से आने की जरूरत ही क्या है, ये बंदा तो इधर ही बैठा था। रुक, इसका भी अगना मुतना बंद करता हूँ। चल भाई, नहीं बेटा नहीं, उधर मत जा बेटा, मौली है। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ उधर मत जाओ, उधर मौली है, लेकिन नहीं तो भी ले लो प्रसाद। अब यहाँ पे थोड़ा लूटने के बाद, सारी गनी वगैरह उठाने के बाद मैं आता हूँ इस साइड, लेकिन तभी मुझे शक की बदबू आती है सामने वाली सीढ़ियों से। और यकीन मानो भाई, यहाँ पे इनके 4 बंदे जो कि दोनों तरफ सीढ़ियों में छुपे हुए थे शायद। अब मैं यहाँ पे डोरेमोन का चटपटा घोड़ा निकालता हूँ, जो कि थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन नहीं थी कहाँ फेंकना है किधर फेंकना है, मगर जैसे मुझे पता चलता है डोरेमोन का चटपटा गोटा चले, बस लगभग उसने भी ग्रेनेड फेंक ही दिया था और वो भी एग्जैक्ट। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास 30 साल का तजुर्बा नहीं हुआ ना, जिसकी वजह से तुम मर गए और मैं बच गया। कह रहे यहाँ पे इनका एक बंदा नीचे भी है। लेसन भाई, ये सनी ओपी नाम का बंदा कम से कम 3-3 लड़कियां लेके खेल रहा था। अब तुमको कि भाई कितना खुशनसीब बनता है, 3-3 लड़कियों को लेके खेलता है, तो मैं कह रहा हूँ ये खुशनसीब नहीं है, ये गद्दार है। क्यों? क्योंकि इसने अपने दोस्तों को छोड़ के लड़कियों के साथ खेलना शुरू कर दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़कियों के नाम वाले इसके दोस्ती हो? कुछ भी हो सकता है। लेसन बहुत खजवेगिरी कर रहा था, कर रही थी, पता नहीं क्या थी। और भाई, इसको मारने के बाद मैं इधर आता हूँ, तभी ये देखो इनका तमाशा। दोस्त मुझे एकदम खूंखार मिले, लेकिन सब लड़की के पीछे बर्बाद। ये तो मेरे को पता घर से। अरे नहीं होगा यार ड्राइवर, तुम्हारा किल चोरी कौन कर लेगा यहाँ पे, इतनी मासूम सी लड़की है वो, क्या किल चोरी मतलब रिवाइव करने से ज्यादा जरूरी काम है। इंसिन भाई, सागर भाई का घर बस रहा है, पील दो यार। इंसिन भाई क्या ना घर बसाऊंगा ना बसने दूंगा। चलो भाई, मेरे ऊपर की तरफ मेन बिल्डिंग में खजवा आ चुका है, उसको भी पीलना पड़ेगा अभी। डोरेमोन के चटपटे कोटे से पीलूं या फिर किससे पीलूं? अरे यार, इसको मैंने नेट से मारने की कोशिश करी लेकिन ये भाग गया। और मेरी गन भी रिलोड आ चुके हैं, ऊपर से मेरी शॉटगन भी खत्म है, तो पहले मेरे को इज्जत से रिलोड ही करनी पड़ेगी। और अब चलो भाई, गलत गल्ला ना करी। इसके पास देवसेना थी लेकिन इसका सही से उपयोग नहीं कर पाया, जिसके वजह से भाई की पेटी बन गई। और अब यहाँ पे एक भी बंदा बचा नहीं था, तो उठाते अपनी गाड़ी और आते हैं इस साइड, जहाँ पे भाई इतनी खतरनाक भीषण लड़ाई हो रही थी जैसे कि तुम फायरिंग सुन सकते हो। तो मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा।
चलो भाई, सागर भाई का काम हो चुका है लेकिन रिकॉल भी बाकी, उनका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैं इनकी मौत का बदला लेता हूँ। खैर ये कपड़े पता नहीं किसके पहन लिए मैंने भाई, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। अरे सामने वाली गाड़ी के पीछे एक बंदा है भाई, उसके ऊपर मैंने दो मोली फेंकी जिससे कि कुछ नहीं हुआ, तो मैंने एक ग्रेनेड फेंक दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। भाई तू क्या सीमेंट खा के आए क्या भाई? खैर अब बचा था इनकी टीम का तीसरा बंदा जो कि वो झोपड़ी के अंदर था। हाँ भाई झोपड़ी के, तो उधर क्या भूया छिल रहा है क्या? रुक इसको बता दे। चलना जले, मुझे नहीं पता है बंदा फायर करने से पहले किस बारे में सोच रहा था, शायद इसकी पिंग आई होगी या फिर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इनका भी लास्ट वाला बंदा बचा है जो कि मेन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, लेकिन जब मैं अंदर आता हूँ तब ये देखो यहाँ पे हमारे इंसान भाई बहुत ही अच्छे से सो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि नहीं भाई, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी टाइप करना ही पड़ता है। यार भाई ये बंदे कैसे हरामी होते, पिन ड्रॉप साइलेंस कैंपिंग कर रहा था हरामखोर। खैर मैं यहाँ पे रिवाइव हो जाता हूँ और मेरे सामने वाले बंदे को मैं मारना चाहता था। गोली चला रहे हो? नहीं नहीं भाई, इनको दूर से नहीं मार सकते, इनको पास जाके मारना पड़ेगा। बस इसी कारणवश मैं इनके पास जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनकी पोजीशनिंग देख के मेरी फटके हाथ में आ गई। अब पता नहीं भाई ये दूसरा बंदा किधर है, तो एक बंदे को ही मैं संभाल नहीं पा रहा, दूसरे को कैसे संभालूं? शायद वो पीछे वाले पेड़ पे, इसलिए मैं अपने टीममेट को कहता हूँ भाई जल्दी से स्मोक कर दे, मैं पीछे आना चाहता हूँ, कुत्ते की मौत नहीं मरना मुझे यहाँ पे। खैर यहाँ पे पीछे आके मैं थोड़े से रिफ्लेक्स वगैरह दिखाता हूँ जिसका कि कोई भी फायदा नहीं होता, मतलब होता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उनकी फटके हाथ में आ गई थी, लेकिन ऐसे मरने वाले नहीं थे। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे शेरलॉक वाला दिमाग, मैंने अपने टीममेट से कहा भाई तू पीछे से बग्गी लेके जा और उधर से उंगली कर, बाकी सब सारा माजरा मैं देख लूंगा। और जैसे इनको पता चलता है कि मेरा टीममेट पीछे से जा रहा है, उनकी फटके हाथ में आ गई, तो लगता है परसद देना पड़ेगा। चलो और भाई इसी वजह से मुझे MG3 पसंद नहीं है, क्योंकि रिलोड पे 10 घंटे लगाती है। खैर इसका बनता भी है क्योंकि भाई ये LMG गन है, तो ऑब्वियसली इसका हेवी वेट होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, तो जिसकी वजह से इतना रिलोडिंग का टाइम लगना तो बनता है। अब यहाँ पे सबको मारने के बाद मैं जोन की तरफ जा रहा था, लेकिन तब ये देखो बंदे हैं यहाँ। एक छत के ऊपर मुझे मगरमच्छ धूप सेकता हुआ दिख गया। चलो चलो इसके लिए टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, ना फाइट करी ना कुछ करा, बस कुत्ते की मौत मर गया, धिक्कार है। अब वहां से निकल के मैं इस साइड आता हूँ और मेरे सामने वाला जो टावर है उसके अंदर बंदे थे। मैं मेरी टीम से अलग थलग हो चुका था और मेरे है 17 किल, तो तुम समझ सकते हो अभी आगे क्या होने वाला है। नहीं 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 वो नहीं होने वाला आगे, डोंट वरी, अकेला जा रहा हूँ फिर भी बच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं किसी को मारने आया था जो कि ये रहा, ये लहसुन अभी अभी रिवाइव हुआ था और मैंने पकड़ लिया उसको, तो अब अंदर घुसाना पड़ेगा जाके। चल भाई लोकेशन मार्क की, तो चल बेटा बोल भारत माता की जय। बस कह रहे इनको मारने के बाद मेरे सामने वाले स्क्वाडर्स की तरफ तुम्हें एक स्मोक दिख रहा होगा, उसके अंदर कम से कम 3-4 बंदे, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिर से शेरलॉक वाला दिमाग जो कि नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। मैंने मेरे टीममेट्स को कहा कि आप लोग भीड़ बन के जाओ ताकि उनका ध्यान बटे, और मैं जाऊंगा बग्गी से ताकि मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज ना कर पाए, मगर जो होना होता है वो तो होता ही है, क्या कर सकते हैं। इसमें ओए बंदे हैं यहाँ, एक HP वाले घर में, और कोई बात नहीं, किल गया तो गया, हम तो चूती है, दोबारा ट्राई करेंगे, उसमें क्या है। अरे इसके पास वाटर रिवाइव था ड्रो भाई, चल बेटा तू भी मर जा, तेरे भी दिन अभी भर चुके। अब लास्ट वाले बंदे को मारने की हम प्लानिंग कर रहे थे, तभी हमारे सागर भाई कहते कि क्या कुछ तूफानी करना है। हाँ तो तूफानी करते ना, उसको गप्पा शॉट मारते हैं शॉटगन से, लेकिन हमारे भाई कहते कि नहीं तुम लसन स्नाइपर से मारो। अब भाई मैंने स्नाइपर, मुझे लगता है कम से कम हो गया होगा अभी 1 साल मैंने स्नाइपर को हाथ भी नहीं लगाया, और क्लोज में तो बिल्कुल भी नहीं, मगर फिर भी मेरे अंदर की खुजली मुझे चीख चीख के कह रही थी कि डॉक्टर भाई ये तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है भाई फिर कर देते, उसमें क्या है। अब एग्जैक्ट सामने मेरे वो बंदा है तो देता हूँ प्रसाद। ये तो होना ही था भाई, इस खज्जे ने तो मुझे पास में भी नहीं आने दिया। क्या कोई बात नहीं, मेरे टीममेट ने मुझे बचा लिया
और हो चुका है अपना चिकन डिनर, वो भी 20 किल के साथ में। तो पकड़ अपना अपना हाथ में अंगूठा और कर दो सीडो को लाइक। एंड थैंक यू सो मच अगेन इस चैलेंज में मेरा साथ देने के लिए। इस चैलेंज के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के बड़े दिल से माफ कर देना। और आज की मजदूरी करते ही पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।